हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जो रह गया था हमारे लास्ट वीडियो में, उसको हम कवर कर रहे हैं। हम फाइनेंशियल लीवरेज देख रहे थे। फाइनेंशियल लीवरेज के अंदर आपके पास दो टॉपिक आता है, एक टॉपिक आता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इसको समझना है हमें, एंड फिर एक सेकेंड टॉपिक है उसको देखेंगे। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेसिकली मतलब क्या है? तो देखो मतलब क्या है कि आपको पहले सिंपल लैंग्वेज में लेके चलते हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बेसिकली क्या कहना चाहता है कि हमारे पास जो फंड्स हैं वो फंड्स हमने रेज किए हुए हैं थ्रू डेट, थ्रू प्रेफरेंस, लेट्स से दोनों के थ्रू हमने, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों के थ्रू हमने फंड्स को रेज किया हुआ है। अब जो मैंने फंड को रेज किया हुआ है इनका कुछ ना कुछ कॉस्ट होगा, इनका कुछ ना कुछ कॉस्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि हमें इनके पैसों के बदले इनको कुछ ना कुछ रिटर्न में देना पड़ता होगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट या कॉस्ट ऑफ डेट केडी कहते हैं, या फिर हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर केपी कहते हैं उसको। कुल जो भी है, मान लीजिए कि मैंने इनसे लिए हैं 1 लाख रुपए, एक सिंपल एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि मान लीजिए मैंने इनसे लिए हैं 1 लाख रुपए और मैं इनको कमा के देता हूँ, जो इनकी कॉस्ट है वो है 10% की, मतलब मुझे जो इनको लौटाना पड़ेगा वो हर साल कितना लौटाना पड़ेगा, 10,000 रुपये लौटाना पड़ेगा, एज अ इंटरेस्ट कह लो, एज अ डिविडेंड कह लो, जैसा भी है। अब ये क्या है? कॉस्ट के। बट जो कंपनी खुद कमाती है वो कमाती है 15%, मतलब इस 1 लाख रुपए जो इनसे लिया है उसको कंपनी ने कहीं और लगाया, जो फॉर्म है उसने कहीं और लगाया, और फॉर्म जो कमा रही है वो कितना कमा रही है? 15,000 रुपये, और उस 15,000 की कमाई में से इनको कितना दे दे रही है? 10,000 रुपये। तो स्टिल फॉर्म के पास कितना अवेलेबल है? 5,000 रुपये। और ये 5,000 रुपये ऑब्वियसली बात है, इनका जो इंटरेस्ट है, डेट प्रेफरेंस का जो कॉस्ट होगा उसको हटाने के बाद जो बचेगा वो किसके लिए बचेगा? हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। किसके लिए बचेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, जो भी इनको लेस करने के बाद बचेगा। तो ये जो 5,000 रुपये उन्होंने कमाया, ये 5,000 रुपये किसके पैसे से कमाया? ये इन्होंने डेट्स जो लिए थे उनके पैसों से कमाया, और फायदा किसको मिला इसका? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। ऐसा कब होगा? जब जो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट है वो कम होगा हमारे, जो हमारी रेट ऑफ रिटर्न है, जो फर्म की रेट ऑफ रिटर्न है, जो कमाने का दर है वो ज्यादा है कॉस्ट ऑफ डेट से। तो उस केस में जो सिचुएशन कहलाती है, सिचुएशन कहलाती है कैसी? फेवरेबल सिचुएशन, कि जी विन विन सिचुएशंस है, कि हमने बाहर से उधार ले रखा है, उनके पैसे से हम ज्यादा कमाते हैं, उनको लौटाने के बाद में हमारा बच जाता है, जो कि किसका बनता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो इसी टर्म को क्या कहा जाता है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। बेसिकली ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमने, अब चलिए मैं आपसे पहले सिंपल सी बात पूछता हूँ कि हमारे फाइनेंशियल लीवरेज का एम क्या है? फाइनेंशियल लीवरेज का हमारा एम क्या है? कि जो हमारे फिक्स कॉस्ट वाले फंड्स हैं, फिक्स कॉस्ट वाले फंड्स हैं, फिक्स कॉस्ट वाले फंड्स मतलब ये दोनों, इन दोनों की बात हो रही है, फिक्स कॉस्ट वाले फंड्स हैं, इनकी मदद से ईएई को मैक्सिमाइज करना। फाइनेंशियल लीवरेज का जो एम है वो क्या है कि जो हमारे फिक्स कॉस्ट फंड्स हैं उनकी मदद से हमारे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को मैक्सिमाइज करना, इसको बढ़ाना। और अगर हमारा जो ये है कॉस्ट है वो आर से अगर कम रहता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कम रहता है, तो उस केस में हमारा फेवरेबल सिचुएशन हो जाता है। और वही चीज़ अगर मेरी आर कम हो जाए और कॉस्ट ऑफ डेट ज़्यादा हो जाएगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल सिचुएशंस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या कहा जाता है इसको? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। जब फिक्स कॉस्ट फंड जो है वो रिलेटिवली हमारे हाई इन कंपेरिजन टू इक्विटी कैपिटल हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो जस्ट सिंपल आपको अगर अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो वही चीज़ है कि जो हमने डेट्स फिक्स कॉस्ट फंड्स के पैसों से कमाया और उनको देने के बाद भी जो बचाया वो इक्विटी वालों को मिला, तो कहीं ना कहीं इक्विटी के लिए बेनिफिशियल था, फेवरेबल सिचुएशंस थी, और इसको टर्म किया जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के नाम से। ठीक है सर, ये बात समझ में आती है। तो इसमें दोनों सिचुएशन है, फेवरेबल भी अनफेवरेबल भी। वही चीज़ है, जब फेवरेबल है तो फाइनेंशियल लीवरेज हमारे लिए अच्छा होगा, हमारा फाइनेंशियल लीवरेज पॉजिटिव माना जाएगा, और जब ये अनफेवरेबल हो जाएगा तो वो नेगेटिव माना जाएगा, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो एम आपको ध्यान रखना है कि एम क्या है फाइनेंशियल लीवरेज का, कि इंक्रीज करना अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बाय डिप्लॉइंग फिक्स कॉस्ट फंड्स, बाय यूज ऑफ फिक्स कॉस्ट फंड्स। ये हमारा मेन एम होता है इसका, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का। चलिए, छोटा सा थियोरेटिकल कंटेंट है, आपको याद होना चाहिए, छोटे से शॉर्ट नोट्स के ऊपर ही आ जाया करता है एग्जाम के अंदर। सेकेंड टॉपिक आता है हमारा कि फाइनेंशियल लीवरेज। क्या आता है सेकेंड टॉपिक आता है हमारा फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज एज अ
एज्ड, डबल एज्ड स्वॉर्ड, मतलब दो धारी तलवार। मतलब क्या है दो धारी तलवार का? बेसिकली मतलब क्या हुआ कि वो तलवार होगी जिससे आप किसी को काटने जा रहे हो तो आपको ये भी डर बना रहता है कि आप खुद भी उससे कट सकते हो। किसी चीज को अगर आप काट रहे हो, किसी पे अगर हमला कर रहे हो, तो आपको डर बना हुआ है क्योंकि इसकी दूसरी तरफ भी धार है जो कि आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। सेम फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब है कि फाइनेंशियल लीवरेज क्या है, आपके लिए पॉजिटिव भी और आपके लिए नेगेटिव भी। जो हम पिछले टॉपिक में भी देख रहे थे कि फाइनेंशियल लीवरेज आपका फेवरेबल सिचुएशन भी क्रिएट कर सकता है और अनफेवरेबल सिचुएशन भी क्रिएट कर सकता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी। डबल इस वर्ड का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं फेवरेबल की बात करूँ, पहले बात करते हैं किसकी, फेवरेबल की। तो फाइनेंशियल लीवरेज की फेवरेबल सिचुएशंस क्या क्या है? पहला कि अगर फाइनेंशियल लीवरेज के अंदर आप कह लो कि जो आपका फिक्स कॉस्ट फंड का कॉस्ट है, जो आपका कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स है वो लेस है किससे, हमारे आर से। आर मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, जो कम फॉर्म की हमारी आर है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, उससे वो कम है। तो ये फेवरेबल सिचुएशन है जी, कुछ ना कुछ सेविंग होगी, वो सेविंग का बेनिफिट सबको मिलेगा, हमारे इक्विटी को मिलेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी हमारा क्या हो जाएगा इससे बढ़ जाएगा, हमारा ईपीएस क्या हो जाएगा इससे बढ़ जाएगा, बढ़िया सर बढ़ जाएगा। और प्लस दूसरा जो हम इसको इंटरेस्ट पे करते हैं, इस इंटरेस्ट से हमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। ये इंटरेस्ट हमें क्या करता है, टैक्स बेनिफिट्स देता है। टैक्स बेनिफिट्स का मतलब क्या हुआ कि जब हम अपने प्रॉफिट्स में से इनके इंटरेस्ट कॉस्ट को हटाते हैं तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, और प्रॉफिट कम हो जाता है तो उसके बेस पे हमारा टैक्स भी उतना कम जाता है। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो हमने पे किया उसने हमारा कहीं ना कहीं हमें क्या पहुंचाया, टैक्स का बेनिफिट्स पहुंचाया। रेस्ट इस टैक्स बेनिफिट की चर्चा हम और डिटेल में करेंगे कि किस तरीके से बेनिफिट पहुंचाता है। इलस्ट्रेशन लेते हुए हमारे चैप्टर्स आएंगे आगे इसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, तो उसमें देखे चलेंगे। बट रेस्ट आप यहाँ पे सिंपली समझ सकते हो कि ऑब्वियसली अगर आप अपने प्रॉफिट में से कुछ एक पर्टिकुलर खर्चे को कम करते हो, तो कम करोगे तो आपका रिमेनिंग प्रॉफिट जो होगा टैक्स उसके ऊपर जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर मैं सिंपली अगर कह दूं कि मेरा इंटरेस्ट से पहले मैंने 200 का मेरा इनकम है, इंटरेस्ट मैंने कर दिया 50 पे, तो मेरी इनकम कितनी बच गई, 150। लेट से टैक्सेस आर 50%, 50% टैक्स होगा तो टैक्स कितना आ जाएगा इस केस में, 75, एंड मेरा रिमेनिंग प्रॉफिट क्या रह जाएगा, 75। यही अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं होता तो ये 200 होता, इंटरेस्ट में कुछ माइनस नहीं करता तो प्रॉफिट कितना बचता, 200। टैक्स इस पे कितना जाता, 100 रुपीज, मेरा प्रॉफिट कितना बचता, 100। कूल, ऑल्दो मैंने इंटरेस्ट तो 50 पे किया लेकिन मेरी प्रॉफिट में रिडक्शन कितनी हो रही है, सिर्फ और सिर्फ 25 की। क्यों? क्योंकि मेरा इसने क्या बचा दिया, टैक्स बचा दिया। मैं अगर इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा हूँ तो मैं टैक्स ज्यादा पे कर रहा हूँ, और वही अगर मैं इंटरेस्ट पे करता हूँ तो मैं टैक्स को कम पे करता हूँ, उतना ही कम पे हो जाता है मेरा। 50 से कितना आ जाता है मेरा, 100 से कितना आ गया, 75 आ गया। तो इसे हम कहते हैं कि अगर मैं इंटरेस्ट पे करता हूँ तो मेरा टैक्स उससे क्या हो जाता है, कम। दैट मीन्स इट गिव्स अस अ टैक्स बेनिफिट। कूल, तो ये दो क्या हो गए हमारे फेवरेबल सिचुएशन जो कि फाइनेंशियल लीवरेज के फायदे हैं। फाइनेंशियल लीवरेज मतलब कि अगर आप आउटसाइडर फंड को रेस करके काम कर रहे हो तो उसमें आपको ये दो फायदे मिलते हैं कि अगर कॉस्ट ऑफ कॉस्ट फंड आपका कम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, कम है अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। सेकेंड चीज कि आपका कहीं ना कहीं ये टैक्स सेविंग करता है, तो वो भी हमारे लिए बेनिफिट है। सेकेंड, अनफेवरेबल सिचुएशन क्या है? अनफेवरेबल सिचुएशन बस इतना सही है कि अगर ये उल्टा हो जाए, ये उल्टा का मतलब कि जो हमारा कॉस था, इसको हम शॉर्ट में के कह सकते हैं और इसको हम शॉर्ट में आर कह सकते हैं, ये जो के है ये आपका ज्यादा हो जाए आर से, मतलब जो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो तो आपकी आ रही है कम, बट जो आपको कॉस्ट पे करना पड़ रहा है वो पे करना पड़ रहा है ज्यादा, तो ये आपका फाइनेंशियल लेवल आपको भारी पड़ेगा, आपको ये तकलीफ पहुंचाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि इसके फायदे भी हैं और इसके हमारे नुकसान भी हैं। इसी को आपको बस अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है तो वो आपका कहला जाएगा आंसर किसका, फाइनेंशियल लीवरेज एज अ डबल एज स्वॉर्ड। तो वेरी वेरी सिंपल था, दो छोटे छोटे टॉपिक थे जो आपको ध्यान रखना है। इसी में इसकी एनालिसिस आती है जिसको हम बोलते हैं इफेक्ट ऑन ईपीएस एंड आरओई। इसका इफेक्ट क्या पड़ा ईपीएस और आरओई के अंदर, तो तीन छोटी छोटी बातें फटाफट से इसको भी देख लेते हैं, देन पैक करते हैं। क्या है कि अगर मेरा आर ओ आई रिटर्न इन्वेस्टमेंट ज्यादा है इंटरेस्ट से, इट इज गुड और नॉट, ऑब्वियसली हम ज्यादा कमाएंगे, कम चुकाएंगे, जो बच गया इक्विटी का हो जाएगा, तो ये अच्छा है। इसको हम बोलते हैं फेवरेबल सिचुएशन, जो कि हमारे लिए क्या है, एडवांटेज, जो कि क्या है हमारे लिए, एडवांटेज। अगर ये इसको हम उल्टा कह दें, क्या कह दें कि आर ओ आई जो होगा हमारा वो कम होगा इंटरेस्ट से, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये हो जाएगा हमारे लिए अनफेवरेबल, और इसको आप बोलोगे फिर क्या,
डिसएडवांटेज। बढ़िया सर। और तीसरा हम कह सकते हैं क्या कि आरओआई अगर बराबर हो जाए इंटरेस्ट के, तो ये क्या हो गया आपका, न्यूट्रल हो गया। मतलब कि ना आपको यहाँ पे कोई फायदा है ना आपको कोई नुकसान है, मीन्स नाइदर एडवांटेज नॉर एनी डिसएडवांटेज। तो ये तीन आपके एनालिसिस इसके अंदर, जिसको हम कहते हैं इफेक्ट ऑन ईपीएस, इफेक्ट ऑन ईपीएस एंड आरओई। किसका इफेक्ट, फाइनेंशियल लीवरेज का। फाइनेंशियल लीवरेज का क्या इफेक्ट पड़ता है ईपीएस और आरओई पे, तो ये सीधी सी बात है। तो ये आपके बेसिकली कमेंट्स में काम आता है। थ्योरेटिकली इस वीडियो में हमने दो टॉपिक डिस्कस किए हैं, दोनों के दोनों अत्यंत आवश्यक, अत्यंत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए था। समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देखो, होपफुली कुछ चीज़ें आपने मिस करी हो, समझ में आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा फाइनेंशियल लीवरेज आज हमारा खत्म होता है, जिसको हमने चार वीडियोस में कवर किया है। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी है उसको देख लें। आप कंटिन्यूटी में देखेंगे तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन होगा, सारी चीज़ें प्रॉपरली समझ में आएंगी। और इसके बीच में आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आपके कोई दिक्कतें महसूस नहीं होंगी। कुछ एक क्वेश्चंस में आपके रेशियो एनालिसिस के फॉर्मूले यूज होते हैं, तो वो क्वेश्चंस आप चाहो तो फिलहाल स्किप कर सकते हो। जब हम रेशियो एनालिसिस को कवर करेंगे तो फॉर्मूलेस को भी डिस्कस करेंगे, देन जाके आप इन क्वेश्चंस को निपटा लेना। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह हमारी वीडियोस देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।